अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है 17। क्लास सिक्स का सब्जेक्ट है मैथ। लेक्चर नंबर 17। कल हमने लेक्चर नंबर 16 किया था, उसमें हमने नंबर लाइंस के रिविंग की थी, हमने रिवाइज किया था कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्यूएट करना है हमने। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, देखें ये हमें क्वेश्चन थे, हमें इनको हमने क्या करना है, इवेल्यूएट करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी ए पार्ट हमारे पास 6 7 8 प्लस 3 2 2, यानी इनको हमने क्या करना है, सम करना है, यानी प्लस करना है। यहाँ पे देखें सॉल्यूशन, देखें 6 7 8 यानी 678 प्लस 322 सॉल्यूशन है। हमने इनको लिखा वर्टिकली फॉर्म में, इनको प्लस करते हैं। 8 2 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी, 7 8 9 और ये 1 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी, 6 7 8 9 और ये 1 10, 10 के यानी 1000 आ जाता है। इधर हमने आंसर लिख दिया 1000, ठीक है। नेक्स्ट आपने इनको भी सम करना है, इसको भी सम करना है। हमारे पास अब डी पार्ट है माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, सब्ट्रैक्शन करनी है। हम एफ पार्ट को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे है हमारे पास 9999 - 999। अब ये देखें, ये 999 हमें यहाँ से पता चला यहाँ तक 3 वैल्यूज आ रही है, यानी इन तीनों को हम कैंसिल कर देना, हमारे पास यहाँ पे 900 बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं, 9 में से 9 निकालें 0 आता है, अगर हम कैरी भी लें तो 19 बच जाते हैं, 19 में से 9 निकालें 0, 9 निकालें तो हमारे पास 10 आता है, 10 का 0 लगा 1 कैरी चल जाए, फिर 9 बन जाता है। तो देखें 9 में से फिर 0 नहीं निकलता, 1 कैरी यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, 19 में से 9 निकाले 0, फिर 10 बचता है, 10 में से 0 लगाया 1 कैरी चल गया, फिर 9 में से 9 नहीं निकलता, 1 कैरी ले लेंगे, ठीक है। कैरी लिया 19 में से 9 निकाला 10 का 0 लगा 1 कैरी चल गया 9, देखें वही हो गया 9000 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, आंसर में हमने 9000 लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो जी वाला पार्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, जो मैंने छोड़ रही हूँ वो आपने खुद पार्ट करने हैं। यहाँ पे देखें मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन देखें, 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से 9, 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से 9, 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से 9, फिर हम सेकंड वैल्यू आ जाती है, हमने मल्टीप्लीकेशन का लगाना है, जिस तरह हम करते हैं हाँ उसी तरह हमने इनको मल्टीप्लीकेशन करके आंसर के हमारे पास कहते हैं 9 18 18 का 8 लगा 1 कैरी, 10 20 28 28 का 8 लगा 2 कैरी, यह हमारे पास 9 9 18 18 और 2 20 20 का 0 लगा 2 कैरी, 9 10 11 11 का 11 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन के, ये भी आपने खुद करने हैं। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे 582, यहाँ पे आपको ना उन्होंने वैल्यू दी है 55, आपकी बुक में 55 नहीं है, यहाँ पे 49, तो आपने 49 को लेके चलना है, ठीक है, 49। अब हमने डिवीजन करनी है, ठीक है, डिवीजन पे अब देखें 49 है, यहाँ पे हम अगर 49 1 49 49 2 98 होता है, ठीक है, 2 9 18 18 का 8 लगा 1 कैरी, 2 4 8 19, ठीक है। इसी तरह हमने 3 से किया तो हमारे पास आंसर आया 147, 4 से किया 196, यानी भरी वैल्यू आती है। तो हमने क्या करना है, हमने 57 से छोटा लेना था, इसलिए हम 1 से करेंगे 41 49। अब 7 में से 9 नहीं निकलता, 1 कैरी ले लेंगे, 17 17 में से 9 निकालें तो हमारे पास 8 रहता है, ठीक है, 8 हमने ये वाला एजिट उतारा हमने, फिर हमने देखा यहाँ पे सेकंड के साथ किया तो हमारे पास 98 आया, फिर हम 1 से करेंगे 49, 8 में से 9 नहीं निकलता, 1 कैरी लेंगे, 18 में से 9 निकाला 9, यहाँ पे 7 रह जाता है, 7 में से 4 निकाला 3 39, ये भी छोटा है, 2 हमने एज इट उतारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ किया हमारे पास 245 आ रहा है, 6 से किया तो 294 आ रहा है, 7 से किया 343 आ रहा है, 8 से करें तो हमारे पास 392 आ जाता है, यानी पूरा आ जाता है हमारे पास। तो हमने 9 से किया, हमारा 392 आ गया, यानी हमारे पास आंसर क्या है 118। तो ये कर दिया, इसी तरह आपने इसको डिवीजन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं,
यहाँ पे देख हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूफ एंड आइडेंटिफाई द लॉ। ठीक है, यदि हमने ये हमने क्वेश्चन अभी 2.5 में हमने किया था, ठीक है, अभी आपने किया ही है, यानी 2 lectures पहले अभी आपने किया है। यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 11 multiply 28 plus 72 whole bracket = 11 multiply 28 plus 11 multiply 72। ठीक है, ये अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आए। यहाँ देखें इसी तरह हमने क्वेश्चन लिख लिया, हमने सोल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, 11 multiply 28 plus 72, 11 को हमने नहीं करना क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 28 plus 72। ये देखें मैंने सम किया हुआ, 8 to 10, 10 का 0 लगा 1 कैरी, 7, 8, 9, 1, 10, 10 लिख दिया 100। ठीक है, अब 100 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1100 आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी करें तो हमारे पास 11 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 8 1 द 8 8 1 द 8 ज़रब, यानी मल्टीप्लाई 2 1 द 2 2 1 द 2, 8 का 8 8 2 10 10 का 0 लगा 1 कैरी, 3 3 0 8 आ जाता है, वो लिख दिया हमने। फिर सेकंड प्लस से हमारे पास सम है, 11 को 72 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 द 2 2 1 द 2 मल्टीप्लीकेशन, 7 1 द 7 7 1 द 7 2 9 7। ठीक है, ये हमारे पास आता है 700। अब इन दोनों को ही सम कर दे तो हमारे पास 1100 आता है, यानी ये हमारे पास हैंस प्रूफ हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यानी दोनों आ रही है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा लॉ हम इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सी हम कंडीशन को इस्तेमाल कर रहे थे, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन थी। ठीक है, जैसे आप लास्ट पार्ट देखें इसी तरह आपने सारे पार्ट करने और प्रूफ करने हैं। हमारे पास है 12 multiply whole bracket 13 plus 14 close bracket = 12 plus 13 multiply 14। हमने पहले ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड ले ली। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है, 12 एज इट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया, देखें 4 3 12 12 का 2 लगा 1 कैरी, 4 1 द 4 1 5 मल्टीप्लाई 3 1 3 द 3 1 1 द 1 2 का 2 8 और ये 1। ठीक है, 182 आता है, यहाँ पे 182 लगाते हैं, इसको ही हमने 12 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 2 का 4 2 8 द 16 16 का 6 लगा 1 कैरी 2 1 का 2 3, नेक्स्ट 1 2 द 2 1 8 द 8 1 1 द 1, आगे करेंगे 4 का 4 8 11 11 का 1 लगा 1 कैरी 2, यानी 2184 आता है। राइट हैंड साइड भी ले ली, अब 12 को 13 से मल्टीप्लीकेशन किया हमारे पास आया 156। फिर हमने क्या किया, 14 को 156 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास क्या आता है 2184। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको लॉ आइडेंटिफाई करने में कोई भी मुश्किल आ रही है, प्रूफ टेस्ट करने में मुश्किल आ रही है, तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।